नमस्ते दोस्तों, जगदम्बा नंदन शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं अपने चैनल में जो रेसिपी बताने चाह रही हूँ वो उत्तर भारत में बहुत ही प्रचलन में है और ये साइड डिश के रूप में बहुत प्रयोग की जाती है। किसी भी खाने में चटनी और चोखा का बहुत ही महत्व होता है। आज मैं वही बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको चोखा बनाने जा रही हूँ जो परवल और आलू टमाटर के मिक्सचर से बनता है। वो तीन तरह से बनता है और कैसे बनता है उसकी विधि मैं बताऊँगी। आइए इसका प्रोसीजर आगे देखते हैं। मैंने परवल के चोखा के लिए, मेरे परवल थोड़े छोटे हैं, 20 परवल लिए हैं और 4 बड़े आलू लिए हैं। आप आलू देख सकते हैं साइज, 4 टमाटर लिए हैं, 5 टमाटर मैंने ले रखा है, 4 हरी मिर्च, नींबू लेंगे, ये तीन मीडियम साइज के प्याज कटे हुए हैं। अगर 3 मीडियम साइज के प्याज आपको न समझ में आए तो ये कटोरे की साइज देख लीजिए, इसमें इतना आप प्याज लेकर रख लीजिए। और सरसों का तेल, किसी भी चोखे में आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं इसलिए सरसों का तेल रखिए। अब इसका हम आगे देखते हैं। ये टमाटर अच्छे से उबल गए हैं, इसके छिलके को हटा लेंगे और परवल के साइड को ऐसे निकाल के और इसके अंदर का हम बीज निकाल लेंगे। जो बड़े बीज हैं वो दांत के नीचे आते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसको निकाल के ऐसे हम सारे परवल अच्छे से कर लेंगे। देखिए ऐसे हम इसका पानी निकाल लेते हैं, ऐसे पानी निकाल ले रहे हैं। और इसके अंदर मेरा परवल छोटे हैं, इसमें बहुत सॉफ्ट बीज है, इसमें बीज बड़े और गुठली वाले नहीं हैं इसलिए इसको हम ऐसे साइड करके निकाल लेंगे पूरा। ये हमने आलू और परवल अलग अलग मैश कर लिया है, ये तैयार हो गया, टमाटर भी तैयार हो गया है। अब हम इसमें इन सबको एक साथ मैश कर लेंगे। यदि बीज आपके घर में सभी खाते हो तो आप उसको न निकालें और आप ऐसे भी करें क्योंकि उबालने के बाद टेंडर हो जाते हैं बीज। हमने आलू, परवल और टमाटर अब हाथ से अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, यदि आपको परवल में ज़्यादा आलू न पसंद हो तो आप आलू की मात्रा कम कर सकते हैं, बेसिक क्वांटिटी ये है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, स्वादानुसार नमक, जितना खट्टा और नमक ये आप स्वादानुसार जितना आप के घर में खाया जाता हो उतना आप डाल के बनाएं। अब हम इसको हाथ से मैश करेंगे। इसमें हम नींबू भी डाल देते हैं निचोड़ के, इसमें हम पूरा एक नींबू निचोड़ देंगे। ये देखिए मैंने पूरा एक नींबू निचोड़ दिया। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा परवल का चोखा तैयार हो गया है, आप इसे बना के चख लें।
दूसरी विधि ये है कि यदि आप प्याज नहीं डालना चाहते हैं, आप प्याज डालना चाहते हैं उसमें, नींबू टमाटर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप भरुआ मरचा होता है जो घर में अचार मरचे का पड़ता है, लाल कलर का होता है मोटा मोटा, उसमें मसाले भर के बनते हैं, आप उसको डाल के मैश कर दीजिए। आपको नींबू या फिर खट्टे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चोखा बन के अच्छे से तैयार हो जाएगा। तीसरी विधि फ्राइड परवल का चोखा है, जिसे हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे बना के। उसको मैं ओरली जुबान से नहीं बता सकती, उसको मैं अच्छे से आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये एकदम आसान सी विधि है परवल का चोखा बनाने की। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, पौष्टिक तो है ही, साथ में ये आपके खाने का जायका बढ़ा देती है। हमारा वीडियो इस चोखे को घर में बनाएं, इसको धनिया पत्ते से सजा दें, इसमें धनिया पत्ती काट के डाल के सजा दें आपके घर में उपलब्ध है तो। और इस वीडियो को यदि आप बनाएं पसंद आए तो लाइक करें। इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल भी डालते हैं, क्योंकि हम सभी चोखों में सरसों का तेल जरूर डालते हैं, ये टेस्ट को अच्छा बना देता है। तो इसमें हम थोड़ा सा सरसों तेल भी डालेंगे। मेरा ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर बनाइए और सबको बनाकर खिलाइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। और यदि मेरा रेसिपी पसंद आए तो इसको आप सब्सक्राइब करना न भूलिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।